तो कल के मैच में देखे देखो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऋषभ पंत पतंग उड़ा रहे थे कल के मैच में। तो आईपीएल मैच के दौरान मैदान में गिरी पतंग और पतंग को पंत ने उठाया, उड़ाना स्टार्ट कर दिया। बाद में एम्पायर ने देखा कि भाई पंत कीपिंग छोड़कर पतंग उड़ा रहे हैं, तो एम्पायर ने उनसे छीन लिया। तो कल देखे तो ऐसे ही को वीडियो वायरल हो रहा है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो मैच हो रहा था उसका। और बाकी चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगला खबर देखे तो राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान रॉयल्स ने दर्ज की आईपीएल 2024 की अपनी 8वीं जीत। तो कल एलएसजी को हराया और अपनी 8वीं जीत जो है दर्ज कर ली है। 197 रनों का लक्ष्य मिला था और ध्रुव गुजरेल और संजू सैमसन ने उसको आराम से 19वें ओवर में चेस कर लिया। एलएसजी की तरफ से केएल राहुल ने रन्स मारे, 76 रन मारा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। बाकी चलते हैं अगली खबर की तरफ। टीम डेविड के छक्के से दिल्ली में स्टैंड में मौजूद फैन जो है घायल हो गया। तो टीम डेविड ने कल के मैच में एक ऐसा छक्का जड़ा जिससे फैन घायल हो गया, बताइए। इसलिए छक्का वक्का इसलिए हम बोलते हैं कि स्टेडियम में जाया कीजिए, आजकल के स्टेडियम में खास करके आईपीएल देखने जाया कीजिए तो हेमलेट पहन के जाइए। जी हाँ, वहाँ भी पुलिस प्रशासन को हेमलेट जो है लागू कर देना चाहिए। नहीं हेमलेट पहन के गया तो 2000 फाइन रख देना चाहिए, लेकिन लागू कर देना चाहिए क्योंकि माथा वाथा फूट जा रहा है। बाकी अगला खबर देखें तो केएल राहुल से। तो केएल राहुल ने आईपीएल में बतौर ओपनर सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो बतौर ओपनर 4000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज, और बहुत बढ़िया बात है। बाकी इनकी टीम जीती नहीं, इसका मलाल होगा। बाकी अगला खबर है दिल्ली कैपिटल्स से। तो दिल्ली कैपिटल्स कल के मैच को जीती, मुंबई इंडियंस को हराया। 258 रनों का लक्ष्य रखा था दिल्ली कैपिटल्स ने और मुंबई इंडियंस 247 रन ही मार पाई। 10 रन से मैच हार गई और दिल्ली कैपिटल्स का देखें तो 10 अंक हो गया है 10 मैचों में। उसके बाद अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने भी कल के मैच में रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1031 रन पूरे कर लिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रन है किसी टीम के खिलाफ। तो दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर। तो दिल्ली कैपिटल्स कल के मैच में देखे तो काफ़ी मारामारी कर रही थी और 257 रन बनाई, जो कि उनका सबसे बेस्ट स्कोर था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 2011 में 231 रन जड़ा था पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो वो उनका बेस्ट स्कोर था, लेकिन अब हो गया है 257 रन। तो दिल्ली को बहुत बहुत बधाई। चलते हैं अगले खबर की ओर। तो अगला खबर है बाबर आजम से। तो बाबर आजम ने रिकॉर्ड बना दिया है, या ये कहें कि नंबर वन पर हैं चौकों के मामले में। उन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा चौके मारने का रिकॉर्ड बनाया है और उस मामले में वह नंबर वन पर है। सेकंड पर हैं आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग। थर्ड पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 361 चौके जड़े हैं, और बाबर आजम ने 407 चौके जड़े हैं। चौथे नंबर पर रोहित शर्मा है, पांचवें नंबर पर डेविड वॉर्नर है। तो इस प्रकार से बाबर आजम कर रहे हैं काम। बाकी आप बताएं, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी खबरों के साथ। ढेर सारी खबरें क्रिकेट जगत की हम लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद।